नमस्कार दोस्तों, टूल बग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश कुमार शर्मा और आज हम लोग जॉय कपलिंग या फिर जिसे लव जॉय कपलिंग भी कहा जाता है के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, और स्पाइडर कैसे चेंज किया जाएगा, ये पुराने स्पाइडर को कैसे चेंज किया जाता है, ये वीडियो में हम लोग समझेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मेरे पास एक पैकेट है जिसमें कि स्पाइडर है और इसे हम लोग खोल के पहले देख लेंगे और इसी को हम लोग को पुराने वाले स्पाइडर को चेंज करके और ये नया वाला स्पाइडर को लगाना है। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद में हम लोग ये स्पाइडर को देख लेते हैं और इसके बाद स्पाइडर को कैसे लगाना है मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्पाइडर पे एक नंबर है L110, ये स्पाइडर का साइज़ को बताता है। तो और अभी स्पाइडर भी देख लेते हैं, ये स्पाइडर है और इस पे भी नंबर दिया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये स्पाइडर को L110 है और इसे पलट के भी देख लेंगे, ये दोनों साइड से ही सेम रहता है, टॉप हो या बॉटम हो दोनों सेम रहता है। और ये इसका चौड़ाई है जो कि कपलिंग के बीच में लगता है। और ये अभी आपका जैक कपलिंग आ गया है, अभी हम लोग ये जैक कपलिंग को देखेंगे। जैक कपलिंग के बीच का जो स्पाइडर है ये टूट गया है, ये स्पाइडर को हम लोग को निकाल के और नया स्पाइडर लगाना है। नया स्पाइडर लगाने के लिए ये देखिए एक गियर बॉक्स और मोटर के साथ में है, और गियर बॉक्स मोटर का ये कपलिंग का हम लोग को स्पाइडर निकालना है और ये इसको निकाल के नया स्पाइडर अभी लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए मोटर को लिफ्ट करेंगे और मोटर लिफ्ट करने के बाद में पुराने वाले स्पाइडर को हम लोग निकाल लेंगे। और अभी मोटर को लिफ्ट कर लिए हैं और स्पाइडर को स्क्रू ड्राइवर से निकाल के ये देखिए आप देख रहे होंगे ये टूट गया है स्पाइडर। तो इसको बाहर निकाल के और नया वाला हम लोग चेंज करेंगे। देखिए छोटे छोटे भागों में टूट गया है और अभी ये स्पाइडर बाहर निकल गया है और अभी हम लोग नया वाला स्पाइडर को लगाएंगे। ये नया वाला स्पाइडर है, इसे सेट कर देते हैं टॉप बॉटम देख के और टॉप साइड ही रखेंगे। इसमें दोनों सेम रहता है, टॉप हो या बॉटम हो कोई अपोजिट नहीं होता है, केवल राइटिंग का डिफरेंस होता है। तो अभी नया वाला स्पाइडर जो गियर का कपलिंग है, गियर बॉक्स का कपलिंग है, उसमें फिक्स कर दिए हैं और मोटर को धीरे धीरे हम लोग डाउन करके इसको सेट कर लेंगे। तो यह बड़ी सावधानी से किया जाता है, नहीं तो कटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। ये रबर का एक स्पाइडर रहता है तो थोड़ा सा भी लोड पड़ेगा और शार्पनेस यदि कपलिंग रहेगा तो कट जाता है, इसलिए आपको लगाने समय में अच्छा से मैच करके और धीरे धीरे ही डाउन करना है मोटर को, तो ये अच्छे से बैठेगा, नहीं तो कटने का बहुत ज़्यादा चांस बना रहता है। तो अभी हम लोग मैच कर लिए हैं और जैक को मैच करने के बाद में स्पाइडर और दोनों कपलिंग का जैक को मैच करके धीरे धीरे डाउन करेंगे। और धीरे धीरे डाउन करने के बाद में ये रेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये पूरा रेस्ट नहीं करना है आपको, दोनों कपलिंग के बीच में करीब 3 से 5 मिलीमीटर के आसपास गैप रखना है और इसके बाद ही बोल्ट वगैरह को टाइट करना है। तो इस तरह से आज हमने स्पाइडर और जैक कपलिंग के बारे में बताया।